हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर से राउंड 786, जो कि डिव 3 राउंड था, उसका प्रॉब्लम भी डिस्कस सारे प्रॉब्लम करेंगे, ए बी सी डी। अभी तक तो मैंने ई तक किया है, होपफुली मैं एफ भी सॉल्व करूँगा। अगर तो मैं एफ का भी वीडियो लिंक डाल दूँगा। अभी अगर आपको कोई परेशानी हो और कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, तो आप मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं लिंकडिन और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डाल देता हूँ, जिससे आप पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आते हैं प्रॉब्लम बी पे। प्रॉब्लम भी डिक्शनरी जैसा आप देख रहे हैं। प्रॉब्लम एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। दे रखा है कि बर्डलैंड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स हैविंग एग्जैक्टली टू लेटर्स, मोर ओवर द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड लेटर। ड्राइंग पे आते हैं। जैसा अगर कोई भी दो लेटर वर्ड दिया हुआ है अपने को, कि बर्डलैंड लैंग्वेज में ऐसा टू लेटर वर्ड यूज होता है, राइट? तो इस टू लेटर में खास बात यह है कि दोनों लेटर सेम नहीं होंगे। लेट से ये ए ए ऐसा नहीं होगा, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता, सिमिलर लेटर नहीं हो सकते, जेड जेड नहीं हो सकता। तो और आपको बताना है इंडेक्स, लाइक ये सॉर्टेड रहेगा, लाइक ए पहले आएगा, फिर सॉरी ए तो नहीं आएगा, ए बी का ऑर्डर 1 होगा, सिमिलरली ए सी का 2 होगा। जैसा हमारे नॉर्मल डिक्शनरी में सॉर्टेड हो जाता है, उस टाइप से सॉर्टेड रहेगा। फिर ए डी, फिर ये ए वाले सब खत्म हो जाएंगे, ए जेड लेट से 25 आता है, फिर बी ए की ऑर्डरिंग 26 रहेगी, फिर बी सी की 27 रहेगी, राइट? तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें टोटल अगर लेट से हमारे पास रिपीटेशन भी अलाउड होता, तो टोटल कितने हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं, 26 × 26, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ब्रूट फोर्स लगा दिया मैंने, कि अगर फॉर लूप लगा लिया, दो फॉर लूप, i 0 to 26, जे भी 0 to 26, और आई इक्वल टू जे अगर हो तो हमें सिमिलर वाले नहीं कंसिडर करने, तो इसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एल्स मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया और एक मैप में डाल दिया और ये प्री प्रोसेस कर दिया, क्योंकि मैं हर टेस्ट केस के लिए इस मैप में पास नहीं करूँगा। मैंने ऐसे किया कि ए बी पहले क्रिएट हुआ तो उसकी वैल्यू 1, एक काउंट से मैंने काउंट इक्वल टू 0 कर दिया था, और जैसे ही मेरा कोई स्ट्रिंग बन रहा है तो मैं काउंट को इंक्रीज करके मैप में पुट कर दे रहा हूँ। एम ऑफ ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर ए सी बनेगा, एम ऑफ ए सी इक्वल टू 2 हो जाएगा। बट इसमें मैं क्या करूँगा, हर टेस्ट केस के लिए मैं ये नहीं करूँगा, एक प्री प्रोसेसिंग बना लूँगा, जो कि हर एक टेस्ट केस के लिए अपने को पता है कि डिक्शनरी सेम रहने वाला है। लेट से डिक्शनरी में ए बी रहेगा, फिर ए सी रहेगा, फिर ए डी रहेगा, इसकी ऑर्डर 1 रहेगी, इसकी ऑर्डर 2, ये हर केस में रहेगा। तो हर टेस्ट केस के लिए मैं ये डिक्शनरी क्रिएट नहीं करूँगा। एक बार मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया और फिर इंडेक्स अपने को पता है, फिर अपना स्ट्रिंग जो आएगा उसके हिसाब से मैं अपना आउटपुट प्रिंट करवा दूंगा। तो आते हैं अब कोड पे। कोड पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड है। ये प्री प्रोसेस है। इसमें मैंने क्या किया, काउंट इक्वल टू 0 जैसा मैंने डिस्कस किया था, और आई इक्वल टू 0 to 26, जे इक्वल टू 0 to 26 करवा दिया, और अगर आई इक्वल टू जे है तो कंटिन्यू कर दिया, राइट? और मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, लाइक स्ट्रिंग जो कि इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, ए बी फिर ए सी फिर ए डी, इस टाइप से, फिर बी ए, फाइनली ये कहाँ तक जाएगा, जेड वाई तक जाएगा। और स्ट्रिंग अपना यहाँ पे इन दोनों स्टेप से अपना स्ट्रिंग क्रिएट हो गया, और इस स्ट्रिंग को मैंने मैप में डाल दिया, जो कि इंडेक्स है। स्ट्रिंग इंडेक्स मैंने एक मैप बना लिया जिसमें मैंने डाल दिया, स्ट्रिंग अपना की है और ये जो अपना वैल्यू है, जो कि अपना इंडेक्स जो मांग रहा है, आउटपुट जो हमें देना है। अब हम आते हैं कि सॉल्व में। तो अगर हमारा इनपुट, जो हमने इनपुट ले लिया और उसका इंडेक्सिंग मैंने आउटपुट करवा दिया, और एक बार देखें तो मैंने हर टेस्ट केस के लिए प्री प्रोसेस नहीं किया, एक बार मैंने प्री प्रोसेस कर लिया, और ये सिमिलर रहेगा हर केस के लिए। तो होप कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने खुद से ही कर लिया होगा, और अगर जिनसे खुद से नहीं हुआ तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से कर सकते हैं, तो खुद से ट्राई करें, अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मेरे से कोड मांग लें। मैं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मैं बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जो कि
फुल स्टैक डेवलपर आपको 6 मंथ कोर्स में गारंटी करते हैं कि आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, और गारंटीड प्लेसमेंट भी होगी जो कि 5 to 4 TLPA तक है, और पे आफ्टर प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात है, इनका बिजनेस आइडिया है पे आफ्टर प्लेसमेंट, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लेसमेंट की गारंटी भी है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पे भी नहीं करना, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें वेबसाइट। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा हर कॉन्टेस्ट और हर वीडियो के सॉल्यूशन के बारे में, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, बाय बाय।